सुबह सुबह का वक्त है तो कहते हैं ना कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ही कारामद भी साबित हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा मूड भी अच्छा होता है और हमारी एनर्जी भी होती है जिसको हम लोगों ने उसको बूस्ट भी करना चाहिए। तो इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना आपसे सुबह सुबह एक्सरसाइज कराई जाए। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो, और आज हमें बताएंगे शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज कौन कौन सी बताने वाले हैं रहमान हमें। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट और आपका लाइफ कोच। आपको हेल्दी टिप्स, टेक्निक्स और आपको चेंज करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे जो आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, उसकी बताने की भी एक वजह है, वो बाद में हम शेयर करेंगे। आपका बिगेस्ट मसल कौन सा है? आपके लेग। आपका सेकेंड बिगेस्ट मसल कौन सा? आपकी बैक। थर्ड बिगेस्ट मसल है आपका कोर एरिया। अब आपने अपर बॉडी वर्कआउट करना है, आपका शोल्डर स्ट्रेंथ में आना बहुत जरूरी है। यस, आज हमारा शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है। आपने आर्म्स वर्कआउट करना है, आपका शोल्डर में स्ट्रेंथ में आना जरूरी है। आपने चेस्ट वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ में आना जरूरी है। तो क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं जिसमें शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट हो। क्या हमें जिम जाने की जरूरत है? क्या हम घर बैठ के कर सकते हैं? यस, हम घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक डंबल पेयर चाहिए जिसे हम शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। तो चले वार्म अप से हम स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम काउंटिंग करनी है। लाइक दिस, स्टेप अप डाउन रिदम, जैसे आप लाइट सा जॉग कर रहे हो, 20 to 30 seconds, 3 times आपने करना है। ये वार्म अप करने के बाद देन आपने वर्कआउट स्टार्ट करना है। हमें डंबल चाहिए। अब हमें डंबल्स चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में बताऊं, शोल्डर डंबल प्रेस, लेकिन इसमें टेक्निक आपने क्या करनी है, वन होल्ड, वन अप एंड डाउन। एक को हमने होल्ड करना है, एक अप एंड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन मूव, और इसको आपने होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 sets आपने करने हैं, 10 each side. सेकेंड एक्सरसाइज आपने करनी है लेटरल रेज, साइड मूव, स्ट्रेट चेस्ट अप और शोल्डर लेवल स्ट्रेट अप, होल्ड फॉर 10 seconds, देन डाउन, होल्ड करना है। ये टेक्निक है, 2, 3, बहुत आगे पीछे मूव नहीं करना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 sets, 10 आपने रैप्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज फ्रंट रेज आपने करना है और इसकी पोजीशन फोरहेड लेवल तक आए, 1, then down, 2, 1 by 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 exercises, इस तरह आपने एक रिदम से करनी है, 3 sets, 10 to 20 seconds की ब्रेक के साथ आपने करने है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, चेस्ट अप, शोल्डर स्ट्रेट फिक्स, देन डंबल अप एंड डाउन, 30 reps आपने करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मैं करूँगा, 30 आपने करने हैं। ये एक्सरसाइजेज एक कम्बिनेशन के साथ 2x a week आपने करना है, लेकिन इसके साथ स्ट्रेचिंग वर्कआउट आपने करना है। अब स्ट्रेचिंग कैसे करनी है शोल्डर की, वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेट आर्म, देन टर्न, होल्ड 10 seconds, ओके, देन मूव 10 seconds, अगेन 10 seconds, नाउ मूव 10 seconds। उसके बाद फिंगर क्रॉस, आर्म स्ट्रेट अप, हेड फ्रंट साइड डाउन, हैंड्स बैक, ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कूल डाउन, इजी। 4 एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग के साथ आपने करना है,
3-3 सेट 10 टू 20 सेकंड की ब्रेक के साथ आपने करना है। ट्वाइस अ वीक आपने करना है, क्योंकि आप शोल्डर मसल को इग्नोर नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप चेंज हो जाओगे। और आपने इसको करना है क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें और हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।